हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया है, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन पुलाव। ये हमारा लंच बनने वाला है। मैंने अपने व्यूअर्स को पूछा था कि आप मेरे नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने कहा कि हम कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेसिपी देखना चाहते हैं, या फिर किसी ने कहा हम चिकन राइस देखना चाहते हैं, किसी ने कहा कि हम झटपट से चिकन का कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं जो झटपट से बन जाए। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चिकन पुलाव हम बनाएंगे बहुत ही झटपट से, जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 300 ग्राम्स ऑफ बासमती राइस। इसको सोक कर दिया और इसको अब मैं ऐसे ही 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। राइस को मैंने ऐसे स्ट्रेन करके रख लिया है, सो दैट उसका वाटर जितना भी है एक्सेस वाटर वो चला जाएगा। हमारे चिकन पुलाव को और फ्लेवरसम बनाने के लिए हमने ये जो बासमती राइस को स्ट्रेन करके रखा है उसमें हम डाल देंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और शाही बिरयानी मसाला मैंने इस्तेमाल किया है उसको डाल देंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स करके रख देंगे। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ये शाही बिरयानी मसाला और सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस स्टेज में हम एक और सीक्रेट काम करने वाले हैं, जिससे हमारा जो चिकन पुलाव है वो बहुत ही खिला खिला बनेगा। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो स्टेप क्या होने वाला है? कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तभी मैं आपके साथ ज़रूर ये स्टेप शेयर करने वाली हूँ। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मेल्टेड घी। इसको जब हम घी के साथ राइस को मिला के रख देंगे तो हमारा जो चिकन पुलाव है वो बहुत ही खिला खिला बनेगा। तो बस इसमें डाल देती हूँ मैं अभी 1 टीस्पून मेल्टेड घी। मिक्स हो गया हमारा घी। सो अभी हमारा ये जो राइस है हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं। तो बस हमारा चिकन अभी आ गया है, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। चिकन को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम उसमें डाल देंगे मैरिनेशन के लिए सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर जिसका अमाउंट ऑफ इंक्रीज कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, फिर डालेंगे हम उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, और फाइनली ऐड करेंगे हम मस्टर्ड ऑयल 1 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करके हम चिकन को कोट करेंगे और छोड़ देंगे इसको मैरिनेशन के लिए। कवर करके हम मैरिनेट करेंगे, फ्रिज में रख देंगे इसको। तो चलिए व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं हमारा चिकन पुलाव बनाने के लिए। मैंने लिया है 40 ml ऑफ ऑयल। 40 ml ऑयल मैं इसमें डाल दे रही हूँ प्रेशर कुकर में। जैसे ही तेल थोड़ी गर्म हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे हमारा खड़ा मसाला होल स्पाइसेस। मैंने लिया है बे लीफ, जावित्री, एक छोटा सिनेमन स्टिक, फ्यू ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 2 क्लव, 2 ग्रीन कार्डमम एंड 1/2 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स। तो बस अभी हम इसमें डाल देंगे हमारा ये होल स्पाइसेस। देखिए होल स्पाइसेस चटक गई है, बी केयरफुल। अभी हम इसमें डाल देंगे हमारा ये स्लाइस्ड अनियन, दिस इज 3 लार्ज अनियन, इसको डाल देंगे हम। देखिए अनियन ब्राउनिश हो गई है, ज्यादा काला मत करिएगा। जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे हमारा ये मैरिनेटेड चिकन। हमने लिया है 2 कप्स ऑफ राइस, दैट इज 300 ग्राम्स ऑफ राइस। उसके लिए हम ये 200 ग्राम्स ऑफ चिकन डाल दें। तो हम हाई फ्लेम में थोड़ी देर भुनेंगे। चिकन भुन रही है, दिस स्टेज हम इसमें डाल देंगे प्यूरीड टमेटो, दिस इज 1 टमेटो दैट हैज बीन प्यूरीड। हम ये प्यूरीड टमेटो इस चिकन में अभी मिक्स करेंगे। गो फॉर ओकेजनल स्टारिंग एंड मिक्सिंग। चिकन भुन गई है थोड़ी सी, इसमें हम डाल देंगे अभी 2 टीस्पून ऑफ बिरयानी पाउडर, ये शाही बिरयानी पाउडर है, इसको अब हम मिक्स कर देंगे। देखिए चिकन अच्छे से भुन गई है, अब हम इसमें हमारा जो मैरिनेटेड राइस है डाल देंगे। अभी इसको हम बहुत केयरफुली मिक्स करेंगे।
इसको थोड़ी देर हम सॉटे करेंगे चिकन को और राइस को एक साथ, वो फॉर ओकेजनल स्टारिंग एंड मिक्सिंग, और 5 मिनट के लिए हम इसको सॉटे करेंगे। अगर आप इसको 1 pot meal नहीं करना चाहते तो अलग से आप राइस को सॉटे कर सकते हैं फॉर 5 to 10 minutes इन अ कढ़ाई, और वो सॉटेड राइस आप इसमें डाल सकते हैं। तो बस अभी हमारी राइस थोड़ी सी सॉटे हो गई है अलॉन्ग विद द चिकन। नाउ वी ऐड हॉट वाटर इनटू इट। सो 1:2 रेशियो में हम पानी डालेंगे, बट ये अगेन राइस टू राइस डिफर करता है, बट बिकॉज दिस इज बासमती राइस सो 1:2 रेशियो में वाटर लेना इज ओके। और हम इसमें डाल देंगे चॉप कोरिएंडर लीव्स, दिस इज मिंट लीव्स, वी ऐड फ्रेश ग्रीन चिली, 1 teaspoon घी डालेंगे हम ऊपर से फॉर द नाइस ऑसम अरोमा। अब लिड बंद करके कुक करेंगे हम। चिकन ऑलमोस्ट कुक थी, हमने बस राइस डाला और 1 whistle तक कुक किया हमारे चिकन पुलाव को, और अभी प्रेशर रिलीज हो गई है। तो चलिए बस ओपन करके देखते हैं। 1, 2, 3 सो आप देख सकते हैं हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार है। कैन यू सी दिस चिकन पुलाव, इट्स टोटली रेडी। इसको अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेट द राइस सेटल डाउन, उसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में ट्रांसफर करेंगे। तो व्यूअर्स बस देखिए हमारा खिला खिला चिकन पुलाव 1 pot meal बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। मज़ेदार गर्मा गर्म पुलाव हम चिकन पुलाव खाने वाले हैं रायते के साथ। बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन है, इससे कोई भी नहीं मुकर सकता। एक बार आप ये 1 pot chicken pulao अगर बनाएंगे तो आपको मन करेगा कि हर बार आप ये फ्लेवरसम पुलाव बनाए ही बनाए। तो बस वेट क्या करना, जाइए जल्दी झट से चिकन लेकर आइए। और इवन बैचलर्स भी बना सकते हैं, बिगिनर्स भी बना सकते हैं, ये इतनी आसानी से बन जाती है, बहुत झटपट बन जाती है, कोई भी तामझाम नहीं। और आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा राइस कितना खिला खिला बना हुआ है, और ये खिला खिला राइस बनने का जो ट्रिक है वो मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो बस मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिए और बनाइए ये डिलीशियस 1 pot chicken pulao, और एंजॉय करें अपना वीकेंड झटपट से। ये टेस्टी पुलाव बनाइए और खूब सारा क्वालिटी टाइम अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ बिताइए। तो बस ऐसे ही आसान घरेलू रेसिपीज देखना सीखना और आइडियाज़ लेना चाहते हैं आप, तो विज़िट करें मेरा चैनल सुष्मिता मॉमी शेफ, और उसमें जाके खूब सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उनसे आइडियाज़ लेके उनको आसानी से कर सकते हैं रेप्लिकेट। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे तो आपको ऐसे टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको चाहिए मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तो बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें। तो बस मिलती रहूँगी मैं आपसे ऐसे नए आसान घरेलू वीडियोस लेके, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सुष्मिता इज साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय, सी यू ऑल इन अ न्यू वीडियो।